तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं जो फ्यूजीयामा की तरफ से ये थंडर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर आता है उसके बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फ्यूजीयामा थंडर का जो ब्लैक है वो वाला वेरिएंट है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो इसके गार्ड्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे फ्यूजीयामा के फ्रंट पे ब्रांडिंग दी हुई है। और इसके जो मीटर है वो कुछ इस टाइप का सिंपल सा एलईडी मीटर है जो कि बहुत ही कम पावर कंजप्शन लेता है। जो इसके साइड मिरर्स हैं, डिज़ाइन के हिसाब से इसके साइड मिरर काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जो इनके अंदर ग्लास लगाया हुआ है बिल्कुल यूज़लेस है। जो अपने नॉर्मल ग्लास आता है जिससे कि अपन फेस वगैरह देखते हैं, वो एक ग्लास लगाए हुए हैं जिसमें कि पीछे का व्यू है वो बढ़िया नहीं आता। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिल जाता है हाई बीम लो बीम के स्विच, और ये मिल जाता है 10 इंडिकेटर का स्विच, और इसके नीचे यहाँ पे हॉर्न का स्विच मिल जाता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो ब्रेक लीवर है ये रियर ब्रेक का लीवर है। तो राइट साइड में हमें यहाँ पे जो हेडलैम्प है उसका स्विच मिल जाता है, साथ में ये पार्किंग लैम्प का भी स्विच है। नीचे जो पार्किंग का स्विच है वो मिल जाता है जिससे कि मीटर में पार्किंग मोड से नॉर्मल मोड में आता है। इसके अलावा यहाँ पे तीन मोड के लिए स्विच दिया हुआ है जिसमें 1, 2, 3 मोड है, डिफरेंट ड्राइविंग मोड, और नीचे रिवर्स पार्किंग का वो बटन दिया हुआ है जिसको प्रेस करके अगर आप थ्रोटल देंगे तो गाड़ी पीछे की तरफ जाएगी। तो ये इसका जो थ्रोटल का फील है ये नॉर्मल व्हीकल से अलग है, और ये जो फ्रंट का डिस्क ब्रेक है उसका लीवर है। तो यहाँ सामने की बात करें तो यहाँ पे एक लगेज के लिए हुक देखने को मिल जाता है जिसकी कैपेसिटी ठीक ठाक है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे बोतल वगैरह कैरी करने के लिए एक अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है, स्पेस ठीक है। और इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक USB चार्जिंग के लिए एक USB पोर्ट दिया हुआ है जिसके थ्रू आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं, और चार्जिंग के समय उस मोबाइल को नीचे वाले जो स्पेस है उसके अंदर यहीं पे रख सकते हैं। इसके अलावा हम और बात करें तो राइट साइड के अंदर यहाँ पे ये की होल मिल जाता है, की होल के नीचे भी एक छोटा सा स्पेस दिया हुआ है जिसमें भी आप अपने मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। इसके स्कूटी की एक खास बात है कि इसमें जो इसका जो बेस है बिल्कुल फ्लैट है, क्योंकि इसकी बैटरी इस साइड फिट है जिसके कारण यहाँ पर फ्लैट सरफेस मिल जाती है और जगह काफ़ी ठीक ठाक मिल जाती है सामान रखने के लिए। लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पे ये साइड स्टैंड दिया हुआ है और एक मेन स्टैंड अलग से और है। इसके अलावा यहाँ पे जो साइड के लिए फुट रेस्ट है एक साइड का जो एसेसरीज के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो पीछे की साइड बात करें तो यहाँ पे पीछे की तरफ आपको हैंडल ग्रिप ग्रिल है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर है वो बल्ब के रूप में मिलते हैं। ये पीछे की टेल लाइट है, और यहाँ पे जो नंबर प्लेट है वो ग्रीन कुछ इस टाइप से मिलती है। नीचे रिफ्लेक्टर है, और जो रियर टायर है वो मोटर के साथ फिटेड यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पे रियर के साइड दोनों साइड शॉकर मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो ये टायर है, टायर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टायर जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 3-10 वाला, और यहाँ पे जो है ये रालको के टायर है। और ये जो मोटर है यहाँ पे आपको जो मोटर है वो ये देखिए, जो मोटर का मॉडल नंबर है 2023-064, ये यहाँ पे मोटर मिल जाती है। और रियर ब्रेक है जो कि ड्रम ब्रेक है, और ब्रेक की क्वालिटी ठीक ठाक है, एडजस्ट कर सकते हैं इसको आप। ये बैटरी का कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है जिसके अंदर 1.56 किलोवाट आवर की जो बैटरी है वो है। यहाँ पे जो सीट है, सीट कवर कुछ इस तरह से हटता है, और यहाँ पे स्पेस ठीक ठाक मिलता है, लेकिन इसके अंदर हेलमेट वगैरह कुछ नहीं आ सकता, आप यहाँ पे छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक MCB का स्विच मिल जाता है जिससे कि पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो आप इसके व्हीकल का काट सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये कंपार्टमेंट है, इसके नीचे यहाँ पे जो बैटरी है वो बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसको अगर आपको निकालना है तो इसकी जो पूरी अपर बॉडी है इसको हटाना पड़ेगा। तो एक तरह से ये फिक्स बैटरी होती है, ये सारे स्क्रू हटा के यहाँ पे हम बैटरी को निकाल सकते हैं। इसकी सीट की क्वालिटी की बात करें तो ये सीट मुझे काफ़ी पतली लगती है, जैसे मैं इसको थोड़ा लंबा सा राइड करता हूँ तो उसके बाद ये थोड़ी पिचकने लग जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि ये कहीं वजन से टूट ना जाए। तो सीट की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव करी जा सकती है। तो यहाँ पे इस ढक्कन के नीचे जो है चेसिस नंबर दिए हुए हैं, और यहाँ पीछे की साइड यहाँ पे एयरवेंट्स दिए हुए हैं जो कि बैटरी तक फ्रेश एयर को फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे पिलियन के बैठने के लिए यहाँ पे किसी प्रकार के कोई फुट रेस्ट वगैरह नहीं दिए हुए हैं जिसके कारण यहाँ पे पैर रखने में काफ़ी दिक्कत होती है और क्रैम्प्स आते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर फुट रेस्ट का कुछ जुगाड़ कर दिया जाए तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे इसका ये जो की होल है वो दिया हुआ है, तो इसके अंदर मैं एक बार आपको की लगा के दिखा देता हूँ। तो ये इस समय अभी नॉर्मल पोजिशन है, ये यहाँ पे ऑन कर दी है, तो यहाँ पे मीटर ऑन हो गया। और अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे इस तरह से पुश करता हूँ तो ये सिंपल ऐसे करते ही जो डिग्गी है वो ओपन हो जाती है। तो ये इसकी चाबी कुछ इस टाइप की मिलती है, तो इसमें सेंट्रल लॉकिंग के फीचर भी मिलते हैं।
दो बार इसको प्रेस करने पर। तो इस तरह से आप इसको कीलेस भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे जो है बैटरी वगैरह और बाकी ऑडोमीटर की रीडिंग्स आ रही है। तो यहाँ पे ये चार्जिंग का सॉकेट है जिसमें मैंने अभी यहाँ पे चार्जिंग लगा रखी है। तो इसकी जो 1.56 किलोवाट आवर की जो बैटरी है वो इस जो चार्जर है इसकी सहायता से लगभग 4 से 4.5 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाती है। तो अभी ये बैटरी चार्ज कर रहा है इसलिए इसकी रेड यहाँ पे लाइट हो रखी है और ये जो चार्जर की रेटिंग है वो कुछ इस टाइप से है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो इस चार्जर में ऑटो पावर कट का फंक्शन मिलता है, जैसे बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है ये लाइट ग्रीन हो जाती है और पावर कट हो जाती है। तो यहाँ पे जो फ्रंट टायर का है वो मडगार्ड दिया हुआ है और यहाँ पे अभी थोड़ी क्या बारिश के अंदर चला के गंदी हो रही है इसलिए इस पर मत जाइएगा। आगे दो फ्रंट के जो है दोनों शोकर, दोनों साइड शोकर मिलते हैं और टायर कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि 3/10 का यहाँ पे फ्रंट टायर है और यहाँ पे ये जो ट्यूबलेस टायर है और साथ ही में यहाँ पे आपको जो अलॉय व्हील है ये देखने को मिल जाता है। और जो यहाँ पे जो टायर दिया हुआ है वो रोड ग्रिप की जो ब्रांडिंग है वो है और रालको की जो टायर है वो यहाँ पे यूज करी गई है जो कि ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो राइट साइड में बात करें तो यहाँ पे आपको एक ये डिस्क ब्रेक मिल जाता है। तो डिस्क ब्रेक की क्वालिटी ठीक है, थोड़ी सी हल्की लगती है और यहाँ पे कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं दी हुई है कि डिस्क ब्रेक किस कंपनी का यूज किया हुआ है। और जो यहाँ पे डिस्क ब्रेक की जो प्लेट है वो भी छोटी सी है स्कूटी के हिसाब से। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे फ्यूजियामा की बड़ी सी ब्रांडिंग दी हुई है और दोनों साइड पे यहाँ पे भी फ्यूजियामा की ब्रांडिंग दी हुई है। तो फ्रंट से कुछ इस टाइप का लुक आता है ये ब्रांडिंग के साथ। यहाँ पे जो साइड की बात करें तो यहाँ पे ये पार्किंग लाइट दी हुई है जो कि एलईडी के अंदर है, ये कुछ कुछ डीआरएल के जैसे फीलिंग देती है। और यहाँ पे मैं आपको जो इसका इंडिकेटर है वो ऑन करके दिखाऊं तो यहाँ पे जो इंडिकेटर है कुछ इस टाइप से ग्लो करते हैं। तो यहाँ पे जो हेडलाइट है वो भी एलईडी में दी हुई है और ये हेडलाइट मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ तो कुछ इस प्रकार से जो वाइट एलईडी हेडलाइट होती है उसी टाइप की है जिसकी रोशनी सिटी के हिसाब से ठीक है, आपको इतनी ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती नहीं है। तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है माइलेज के, भाई एक फुल चार्ज के अंदर आखिर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर कितना क्या माइलेज देता है। तो इसके जैसे कि 3 मोड है, तो इसका जो पहला मोड है वो है इको मोड और इको मोड के अंदर ये मैंने खुद इसको ट्राई करके देखा हुआ है कि जो इसकी जो 1.56 किलो वोट आवर की जो लिथियम आयन बैटरी है उसके अंदर इसने मेरे को लगभग 70 प्लस का जो है माइलेज दिया था और 70 किलोमीटर चलने के बाद भी गाड़ी बंद नहीं हुई थी और फिर भी चल रही थी, मतलब रिजर्व में आ गई थी लेकिन चल रही थी। इसके बाद जो दूसरा मोड है वो कि जो नॉर्मल मोड है उसके अंदर जो गाड़ी का माइलेज है वो हमेशा मेरे को 40 के ऊपर ही मिला है। मैंने हालांकि उसको कभी फुल ड्रेन नहीं किया लेकिन हाँ 40 से 45 के बीच वो फिर रिजर्व में आ जाती है और रिजर्व में क्लेम करती है कंपनी की लगभग ये 7 से 10 किलोमीटर चलती है। तो नॉर्मल के अंदर ये 40-50 का माइलेज इजीली निकाल देती है। जो तीसरा मोड है वो है स्पोर्ट्स मोड और उसके अंदर थोड़ा पिकअप वगैरह बढ़िया होता है और उसके अंदर जो माइलेज है वो उसका 25 से 30 के अराउंड आता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।